हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो वैकेंसी आपकी निकाली हुई है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी सभी जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। यदि आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं एसएससी की वेबसाइट पर, तो आप यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। न्यू यूज़र यदि आप हैं, रजिस्टर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ का टैब दिया गया है। अगर बात करें फॉरगेट पासवर्ड वाले लिंक की, तो आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो आपके स्टेट के आप निवासी हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद या तो आप ईमेल आईडी या फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी, और वो डालने के बाद फ्रेंड्स आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। साथ में आप जो है दोबारा से इसमें पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए, यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं और आपने एसएससी का कोई भी फॉर्म फिल किया है, तो आप आराम से इसमें लॉगिन करके सीधे अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं न्यू कैंडिडेट के लिए, तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे, और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें आपको यहाँ पर स्टेप में कंप्लीट करनी है। एक आपका बेसिक डिटेल है, एक आपकी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब जहाँ पर आप अपनी एडिशनल डिटेल्स डालेंगे, और साथ में आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। थर्ड स्टेप आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का रहेगा, और उसके बाद आप इसमें सबमिट कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले पूछता है आपसे, डू यू हैव आधार। यदि आप फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपकी कंडीशन क्या है, तो टाइप ऑफ आईडी आपको यहाँ पर दी गई है, और इनमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास है, और उस आईडी का नंबर आपको यहाँ देना होगा। यदि फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और यहाँ पर आप 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे दो बार। तो अब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हम फिल करेंगे, दो दो बार इसकी एंट्री करेंगे, इससे ये ऑटोमेटिक वेरीफाई होता जाएगा और आपकी गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है नाम का ऑप्शन है, तो नाम आपको देना है आपकी 10 की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसके बाद वेरीफाई नेम का ऑप्शन है, तो दोबारा से आप यहाँ पर उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है कि आपका नाम आपने कभी चेंज किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो नो पर रहने दें, यदि किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और क्या नाम आपका हुआ है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ऑप्शन जो है वो है आपके फादर नेम का, यहाँ पर आपको फादर नेम की एंट्री करनी है, और यहाँ पर आपको मदर नेम की एंट्री करनी है, और दोनों की ही एंट्री आपको दो दो बार करनी है, जिससे आपकी गलती नहीं होगी। इसके बाद जो 5 वाला ऑप्शन है, ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ का, तो यहाँ से देखिए आप जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसकी भी एंट्री आपको दो बार करनी होगी। ये फ्रेंड जो छठा वाला ऑप्शन है 6 नंबर का, ये आपका मैंडेटरी है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। ये आपकी यहाँ पर पूछा गया है आपसे 10th क्लास डिटेल, सबसे पहले आपका बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें अगर बात करें, तो वो है आपके रोल नंबर का, तो यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसको फिल करेंगे। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग का ऑप्शन, तो आप कब पास हुए हैं, किस ईयर में हुए हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन है, आपका जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपकी अगर आप 10 पास आउट हैं, आप 12th हैं, आपके पास डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन है या पीजी डिग्री है या पीएचडी डिग्री है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स मान लीजिए आप 12th क्लास पास आउट हैं, आप 12th सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आप भर रहे हैं ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए, तो फ्रेंड्स वो आपको वहाँ पर शो नहीं करेगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए आपकी जो भी हायर एजुकेशन है वो आप यहाँ पर फिल करें, और उसके बाद आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस पे चल देंगे। आपको सभी जो पोस्टें जैसे 10+2 की कोई भर्ती निकलती है तो भी आप उसमें एलिजिबल होंगे, 10+ की कोई निकलती है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे, और ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए उसमें तो आप एलिजिबल हैं ही। तो अपने हिसाब से जो भी आपकी हायर एजुकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो पॉइंट है वो आपके मोबाइल नंबर का है, और ये आपकी ईमेल आईडी का है। तो फ्रेंड्स मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो डालिएगा जो कि आपकी एक्टिव रहे और वैलिड हो, क्योंकि इस भर्ती में या फिर आने वाली नेक्स्ट किसी भी एसएससी की भर्ती में आपको ये जरूरी काम आएगा, क्योंकि ओटीपी आपको इस पे मिलती रहती है। इसलिए इनमें से कोई भी आप चीज़ जो है आप गलत फिल ना करें।
इसके बाद आप कहाँ के निवासी हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके लिए जो भी स्टेट का नाम है आपका वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये डिटेल आप एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे सेव वाले बटन पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ मिल जाएगा और उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आपके मोबाइल पर ईमेल आईडी पर पहुँच गया होगा। आप यहाँ पर इसके बाद आप इसको ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कौन सा आप डालेंगे जो कि आपके मेल आईडी पर आपको प्राप्त हुआ होगा वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ से आप करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और यूज़र नेम आपको यहाँ शो करेगा। साथ में आपको यहाँ पर जो आपके पासवर्ड अभी आप आया है आपके पास जिससे आपने लॉगिन किया है वो आपको यहाँ फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। न्यू पासवर्ड के लिए फ्रेंड्स आपको एक कैपिटल लेटर आपको लिखना होगा, एक कम से कम नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर और वो कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद ही आप इसमें जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसलिए अपने जो भी आप पासवर्ड बनाएं उसमें कैपिटल लेटर रखें, एक नंबर रखें और एक स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर रखें और उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप पासवर्ड की एंट्री कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक करेंगे। इससे फ्रेंड्स आपका जो भी पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए इसको क्लोज करना है और दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड जनरेट किया है और एक कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन यहाँ से कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स हम जो हमारी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है इनको फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है आपकी कैटेगरी का, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो देखिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दो बार आपको ये सेलेक्ट करनी होगी, जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको यहाँ चूज़ करनी है तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपकी नेशनलिटी चूज़ कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आपकी यहाँ पर कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है अगर आपके चेहरे पर, हाथ पर, तो फ्रेंड्स आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं और यदि नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपल आप लिख सकते हैं नो मार्क। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए, यदि आप इसमें एलिजिबल नहीं है तो आप यहाँ पर नो रहने दें और उसके बाद यहाँ पर आप आगे चल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल हैं मतलब आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में यस करते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है जो भी है आपकी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है। यदि नहीं है तो उनको सिर्फ यहाँ पर नो रखना है और ये ऑप्शन आपके यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो भी पूरा एड्रेस है जो आप लिखते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में या आईडी में वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। इसके बाद यहां से आपका जो स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप पिन कोड सेलेक्ट यहां से करेंगे। ये जो था आपका परमानेंट था और नीचे जो है आपका वो है आपका प्रेजेंट एड्रेस। यदि फ्रेंड्स आपका परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। यदि ये अलग अलग है तो आप इस पर नो रहने देंगे और इसकी मैनुअली एंट्री आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपका एड्रेस क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर इसको सेव करेंगे और इसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो ऑप्शन है वो है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, तो देखिए यहां पर जो फोटो है उसका साइज आपका 20 से 50 केबी और सिग्नेचर का जो साइज है वो आपका 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको साइज रीसेट करने में दिक्कत आती है तो आप यहां से गूगल सर्च कीजिए। गूगल पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर लिखना है जेपीजी कंप्रेसर। जेपीजी कंप्रेसर लिखने के बाद आपको यहां ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले ही कंप्रेस जेपीजी इमेज ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी आपकी साइट ओपन होगी यहां पर आप अपलोड फाइल सेक्शन पे अपलोड फाइल जो भी आपकी फाइल है मतलब फोटो है सिग्नेचर है वो आप यहां से अपलोड करेंगे और उसके बाद आप इसको आराम से रिसाइज कर सकते हैं। तो फिर जैसे बात करें मैंने यहाँ पर एक फोटो अपलोड की है, अगर इस पर सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको नीचे प्रीव्यू दिखाएगा तो ओरिजिनल जो है 37 केबी की है और कंप्रेस होके ये फाइल आपकी 20 केबी की हो जाएगी और फोटो में जो है ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा, फोटो का पिक्सल आपके नहीं फटेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको साइज यहाँ पर सेट करना है तो आप इसको नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं जिससे आपका जो साइज है फोटो का वो चेंज होता रहेगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी है उसके आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वाले सेक्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से साइज इसमें रखना चाहते हैं। तो यहां पर ये इजी स्टेप है, आप आराम से अपनी फोटो एंड साइन को यहां पर जो है अपने साइज सेट कर सकते हैं और ब्रोश के माध्यम से उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहां पर शो करने लगेगा। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन यहाँ पर जब आप अपलोड कर देंगे इसके बाद आप प्रीव्यू देख लेंगे और यहां पर नीचे आप आके इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड जो ऑप्शन है इसके लिए आपको सबसे पहले डिक्लेरेशन वाला जो टैब है इस पर डिक्लेयर करना है, मतलब आई एग्री करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको इसको कर देना है फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स ये दोबारा से आपसे कंफर्मेशन मांगेगा आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए। यदि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपकी सही है तो आप इसको यहाँ से कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल पर या फिर आपकी ईमेल आईडी पर जो ओटीपी जाएगी वो आपको यहाँ पर देनी है, और उसके बाद आपको यहाँ से इस सबमिट टैब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप आराम से जो है लॉगिन कर जाएंगे आपके होम डेस्क पर जो कि एसएससी का है। यहाँ पर आपको जो है देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है, साथ में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो है ही आपका। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अप्लाई करना है लेटेस्ट जॉब के लिए, तो आपको क्लिक करना होगा इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन में। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद नीचे आप आएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2019 का लिंक, जो कि 13/8/2019 से 12/7/2019 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक टैब मिलेगा अप्लाई का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपको सामने ओपन होंगी, जिसमें फ्रेंड्स आप सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए डिटेल डाली है वही आपको यहाँ शो करने लगेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स जो 15वें नंबर का पॉइंट है वो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर का। आपको यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पर आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर एक बार चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 सेंटर आपको चूज करने होते हैं। इसके बाद है आपका एक्स सर्विसमैन का, यदि आप इसमें हैं तो एलिजिबल है, आप यहां पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर इसको नो कर देंगे। यदि आप फ्रेंड्स यस करते हैं तो आपको बताना होगा आपने कोई बेनिफिट लिया है या रिजर्वेशन का, तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं, और आपके जो डिस्चार्ज की डेट है और आपकी जो लेंथ है जो आपकी सर्विस की वो आपको यहाँ पर शो करनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स जो पीएच कैंडिडेट हैं उन्होंने अगर पहले रजिस्ट्रेशन में इसको यस किया है तो वो यहाँ पर अपनी डिटेल को फिल कर सकते हैं, बाकी के लिए ये ऑप्शंस आपके यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड जो ऑप्शन है 18वें नंबर का, यह है आपके एज रिलैक्सेशन का। यदि आप एज में छूट चाहते हैं तो आप यहां पर यस करेंगे, और यहां पर आपको जो कुछ कैटेगरीज देखने को मिलेंगी आप जिस भी कैटेगरी में एलिजिबल होंगे उसको आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि फ्रेंड्स आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, आपको कोई भी छूट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद है यहाँ पर पोस्ट अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। एक है जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करके उसको वेरीफाई यहाँ से कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपके क्वालिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन, तो यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट टेक्निकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपके सामने जो भी आपकी एमएससी, एमटेक, एमई, बीएससी या बीटेक जो भी आपके पास है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट या स्ट्रीम आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। यदि फ्रेंड्स आप इसमें आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। 22 वाला जो पॉइंट है वो फ्रेंड्स आप यस कर दीजिए या नो कर दीजिए, इससे आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर देखने को मिल जाएंगे, और इसका प्रीव्यू देखने के बाद आपको यहाँ पर इस आई एग्री सेक्शन पे क्लिक करना है। नीचे आपको जो एक कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड आपको देना है, और फ्रेंड्स एक बार आप जब ये कैप्चा कोड दे देंगे इसके बाद आप प्रीव्यू जरूर चेक कर लीजिएगा, और प्रीव्यू चेक करने के बाद आप जो है इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है आपकी तो ही आप इसको सबमिट कीजिएगा, नहीं तो आप इसको दोबारा एडिट अभी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स प्रीव्यू सेक्शन चेक करने के बाद आपको इस सबमिट टैब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो चुका है, अब आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट के लिए, और या फिर आप चाहें तो अभी भी प्रिंट निकाल कर अपने पास इसको रख सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं पेमेंट के लिए, तो आप यहाँ पर इस यस वाले टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर पेमेंट स्क्रीन होगी, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इस सबमिट टैब पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसके पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर आपको देखिए नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या फिर अदर यूपीआई पेमेंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपके पास कोई डेबिट कार्ड है किसी भी बैंक का, आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको कन्फर्म कर देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी जो कार्ड की डिटेल है, कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, कार्ड का सीवीवी नंबर और एक कैरेक्टर्स आपको यहाँ देने हैं। पे वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और आपका जो पेमेंट है वो आपको यहाँ से कंफर्म
कर लेना है। पेमेंट कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर ये पेमेंट स्टेटस का जो ऑप्शन है आपका, यहाँ से आपका पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन वेरीफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट वाला सेक्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आपका प्रिंट आउट है वो आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बात बताई मैंने आपको कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट का। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी फुल डिटेल को चेक कर सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।